जी हाँ, अब हॉकी टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एशियन गेम्स। टीम के कप्तान सरदारा सिंह उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इस बार वो गोल्ड जीतने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। मेरे सहयोगी हेमंत सिंह ने इंचियोन रवानगी से पहले उनसे की एक खास बातचीत। पिछले कुछ समय में धीरे धीरे ही सही भारतीय हॉकी लगातार रिवाइव हो रही है और अभी नतीजे भले ही उतने अच्छे ना आए हों, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं कि भारतीय हॉकी सही दिशा में जा रही है और इसमें एक खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है, टीम के कप्तान सरदार सिंह। सरदार सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया पहले हमसे बातचीत करने के लिए। मैं सही कह रहा हूँ कि जो हॉकी जो रिवाइव हो रही है भारतीय, वो सही है? बिल्कुल जी, मैं समझूंगा कि पिछले कुछ टाइम से जब से हमारी स्पेशली हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई है तो टीम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट और ज़्यादा कंटिन्यू होने चाहिए जिससे और हमें कंट्री के लिए अच्छे यंगस्टर्स और अच्छा टैलेंट मिल सकता है। एशियन गेम्स अब शुरू होने वाले हैं, आपकी टीम को दावेदार देखा जा रहा है कि भारतीय टीम इस बार गोल्ड तो जीत ही जाएगी क्योंकि टीम बहुत अच्छी है, और दूसरी बात जो बाकी टीमें हैं वो शायद इतनी बड़ी कंपटीशन दे ना पाए, तो आपकी कैसी तैयारी है? देखिए, जिस लिहाज से अभी हमारी पिछले 5-6 महीने से ट्रेनिंग चल रही है, फिर उसके बाद जो हमने लास्ट वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रदर्शन किया है, तो टीम ने मैच बाय मैच काफ़ी इम्प्रूव किया, तो मैं समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल ये हमारे लिए नया टूर्नामेंट है और हम इस टूर्नामेंट की शुरुआत फर्स्ट मैच से करेंगे, तो पिछले जो हमने टूर्नामेंट्स में स्पेशली एशियन जितनी भी टीम्स थी, कोरिया, मलेशिया, उनको बीट किया, पर आई एम श्योर कि ये सभी को पता कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है और जो एक टीम जीतेगी वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी, तो मैं समझता हूँ कि सारी जितनी भी टीम्स उधर पार्टिसिपेट के लिए करने आएंगी वो पूरी अपने आप को पूरी प्रिपरेशन करके आएंगी कि ये हम टूर्नामेंट जीतें, तो आई एम श्योर कि अभी हमारी भी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है, तो उम्मीद है कि इस बार हम अच्छा करेंगे। जैसे आपने कहा कि जो जीतेगा उसको ओलंपिक का टिकट मिल जाएगा, तो क्या कहा जाए, पिछले 6-7 महीने या फिर 1-2 साल में भारत के लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट है? बिल्कुल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि काफ़ी टाइम ही हो गया हमने कोई अच्छे टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल नहीं लिया, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि जिस तरीके से, और मैं श्योर हूँ कि जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है उसके बाद जितने लड़के अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि अगर हम अपनी नॉर्मल हॉकी खेलेंगे तो हम जरूर इस बार जीतेंगे। सरदार, मुझे याद है कि 1998 में आखिरी बार भारत ने बैंकॉक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, उस टीम के कप्तान धनराज पिल्ले थे, और आपको भी सभी खिलाड़ी जैसे धनराज को लुकअप टू करते हैं, आपको भी करते हैं, तो क्या मेंटोर बनने का एक दबाव रहता है या फिर कॉन्फिडेंस आता है आप में? नहीं, देखिए, इसमें ये है कि स्पेशली जो लड़कों ने पिछले कुछ टाइम से इम्प्रूव किया, स्पेशली मैं कहूँगा कि अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स का मैं सेमीफाइनल नहीं खेल सका, पर विदाउट मी उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उस गेम के बाद मेरे में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ, ये लड़के कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने प्रूफ भी किया, तो अभी ये टाइम है कि मैं अपनी जो नॉर्मल हॉकी है पिछले कुछ टाइम से खेल रहा हूँ, तो अभी टीम को मेरी ज़रूरत है और इंडिया को मेरी ज़रूरत है इस टूर्नामेंट में, तो इसमें मेरा यही रहेगा कि मैं अपना टीम को गाइड करके चलूं और अपना बेस्ट परफॉर्म करूं। मुझे याद है कि जब आप युवा खिलाड़ी के तौर पर आए थे तब आप काफ़ी गोल करते थे, कोशिश आप ही गोल तक पहुंचाते थे और कर देते थे, अब देखा कि आप एक टीम मैन बन चुके हो, बॉल आगे आप जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं उनको पहुंचाते हो, तो ये सोची समझी एक स्ट्रेटेजी रहती है आपकी? नहीं, देखिए, नॉर्मल मेरा यही टारगेट है, जो मेरा प्लस पॉइंट है कि और जो मेरी पोजीशन भी सेंटर में है, तो मेरा मेन यही टारगेट है कि मैं जितने टीममेट्स हैं उनको जल्दी जल्दी बॉल फीड करूँ, तो इस टूर्नामेंट में मेरा यही जो मेरा प्लस पॉइंट है यही रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि इस बार मैं अपना कंट्री के लिए और सभी प्लेयर्स के लिए अच्छी हॉकी खेलूँ। अच्छा, एक बात कही जा रही थी कि जब विश्व कप हुआ था भारतीय टीम खेल बहुत अच्छा रही थी, शुरुआत के जो 60 मिनट के जो खेल होता था उसमें बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन जो शुरू के 2-3 मैच हुए उसमें लास्ट में गोल खाए, तो टीम में माहौल कैसा था? ज़रूर थोड़ा दुख ज़रूर होगा खिलाड़ियों को, और उससे कैसे उभरी टीम फिर? बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा टारगेट था, स्पेशली प्लेयर्स का जो टारगेट था कि हम 5th-6th फिनिश करेंगे, तो उसके बाद अगर हम और भी अच्छा करें सेमीफाइनल के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, पर फर्स्ट मैं कहूँगा कि जो हमारी गेम थी बेल्जियम के साथ, उसके बाद इंग्लैंड के साथ जो हमने लास्ट मिनट्स में गोल कंसीड करवाए, तो उसका हमें नुकसान हुआ, अदरवाइज़ अगर वो हमारे मैचेस ड्रॉ रहते जहाँ अगर हम वो पॉइंट्स लेते तो हमारी पोजीशन कोई डिफरेंट होती।
एक सवाल सभी के मन में उठता है कि जो टेरी वॉल्श हैं, पिछले कुछ समय में हमने बहुत सारे विदेशी कोचेस देखे, लेकिन टेरी वॉल्श के साथ जो सारे खिलाड़ी हैं वो बड़े खुश रहते हैं, उनसे कंफर्टेबल रहते हैं। शायद पहले मेरे को लगता था ऐसा नहीं है, लेकिन अब टेरी वॉल्श के आने के ज़रूर फ़ायदा हुआ है भारतीय टीम को। बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट मैं कहूँगा कि जो हमारी एक्चुअली ट्रेनिंग है, जो मैं समझता हूँ जब मैं लास्ट अभी ब्लूमंडल क्लब में था, जो जहाँ मैंने जितने वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर या टीम्स या क्लब्स देखे हैं, कि जो उनकी ट्रेनिंग है काफ़ी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है, और जो लाइक गेम के रिलेटेड एक्सरसाइज और स्किल्स वगैरह वो करते हैं, तो पिछले 5-6 महीने से हमारी वही ट्रेनिंग हो रही है। और उसके बाद कहूँगा कि जो हमारा अभी कोचिंग स्टाफ है और प्लेयर्स का, और उनमें से लाइक पहले जब हम नए नए आए थे तो थोड़ा डर लगता था बड़े प्लेयर से और उसके बाद कोचेस से बात करने के लिए, तो अभी इस टीम की सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि हम आपस में कोई भी प्रॉब्लम हो, दिन रात किसी भी टाइम, गेम के बारे में या गेम के बाहर फैमिली प्रॉब्लम्स, हम इनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो हमारे साथ काफ़ी ओपनली हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये टीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी पिछले एक हफ्ते में टीम के साथ एक अच्छी बात ये हुई कि मनप्रीत सिंह को जूनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, उनको आपके एक सक्सेसर उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है कि मिडफील्ड में वो भी खेलते हैं, और जो न्यूजीलैंड के मैच की बात की आपने उसमें कमाल का खेल दिखाया था उन्होंने, तो इस अचीवमेंट के बाद उनका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये चीज़ें जैसे अभी उनका नाम, खुद दो बार वर्ल्ड टीम में चुने गए, हाँ जी, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी मनप्रीत का प्लेयर ऑफ द ईयर जो निकले हैं, तो बहुत इंडियन हॉकी के लिए, हॉकी लवर्स के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहूँगा कि उस प्लेयर में काफ़ी अच्छी हॉकी है, और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि और वो जो सक्सेस को वो छुएंगे। अगर बात करें एक जो भारतीय जो ट्रैक फ्लिकर हैं, भारतीय टीम में दो दो ट्रैक फ्लिकर हैं, रघुनाथ और जो रुपिंदर पाल सिंह हैं, लेकिन देखा हमने रघुनाथ उतने गोल कर नहीं पाए पिछले दो बड़े टूर्नामेंट्स में, और एक कमी ये भी रही कि जो इंजेक्ट करते हैं और जो बॉल रोकते हैं वो भी अच्छी तरह रोक नहीं पा रहे, तो कुछ इस पर ज़रूर काम किया होगा आपने। बिल्कुल, लास्ट मैं कहूँगा कि स्पेशली वर्ल्ड कप में ये सबसे बड़ी कमी थी हमारी, क्योंकि जो हमारा बॉल इंजेक्शन था वो सही नहीं था, फिर उसके बाद जो बॉल ट्रैप करने वाले वो थोड़ी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, पर उसके बाद हमने काफ़ी इसके ऊपर वर्क किया, और ग्राउंड के काफ़ी और एरियाज़ हैं जिसके ऊपर अभी हम वर्क कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले 7-8 दिन का टाइम है, तो उसके ऊपर अभी हम वर्क कर रहे हैं। जब आप शुरू से आए थे तो इंजेक्ट करने में आप ही देखते थे हम कि आप ही स्पेशलिस्ट हैं, तो आप ही लेते थे इस बार हर बार, तो आप कोशिश होगी कि आप ही लें? नहीं, फर्स्ट अभी क्योंकि डिपेंड है, फर्स्ट हमारा जो इंजेक्टर है धर्मवीर है, फिर उसके बाद अगर उसके बाद वो ग्राउंड में नहीं है तो मैं करूँगा, मैं नहीं हूँ तो चंदी, गुरविंदर चंदी, हाँ जी, क्योंकि हर एक पोजीशन पे जैसे इंजेक्टर हमारे पास 3 इंजेक्टर हैं, फिर उसके बाद जो बॉल स्टॉप करने वाले हैं 3-4 वो हैं, हाँ जी, वीरेंद्र लाकड़ा, कोथा जी, दानिश मुस्तफा। तो ये भी नई बात हुई है कि इस टीम के खिलाड़ी हर चीज़ करने में माहिर हैं, जैसे आप अटैक में चले जाते हैं कभी कभी, रुपिंदर पीछे से अटैक पे आ जाते हैं, और मनप्रीत पीछे भी चले जाते हैं, आगे भी चले जाते हैं, तो ये सारे जो रोल हैं वो खिलाड़ी कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आजकल की जो हॉकी है अब स्टैटिक हॉकी बिल्कुल आजकल ख़त्म है, तो मैं समझूंगा कि वो आपस में आपका कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर मैं राइट में जा रहा हूँ तो दूसरा, अगर मैं किसी और की पोजीशन पे जा रहा हूँ तो वो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो मेरी पोजीशन पे चला जाए, तो आपस में ये कॉम्बिनेशन है। तो मैं समझता हूँ ये अभी जितने हमारे टीममेट्स हैं ये जल्दी जल्दी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। एक पिछले दो टूर्नामेंट में एक अच्छी बात ये भी हुई कि श्रीजेश ने बहुत, जो गोलकीपर है हमारे, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में एक चीज़ जो खल रही है कि कोई रिजर्व गोलकीपर नहीं है एशियन गेम्स के लिए, तो क्या इससे दबाव तो होगा ही उन पर, और उनके खेल के बारे में अगर आप कुछ बता सके तो? देखिए टचवुड, पहले तो मैं ये कहूँगा कि पिछले जितने भी मेजर टूर्नामेंट हमने खेले हैं तो स्पेशली गेम्स में 16 प्लेयर्स जाते हैं, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इस बार भी ना आए, तो अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है तो हमारे पास रघुनाथ है, और उनको श्रीजेश ने ट्रेन किया, तो हाँ जी, तो फिर उनकी जगह बोलेंगे। श्रीजेश देखिए आपके सामने, आपने वर्ल्ड कप देखा है, उसके बाद कॉमनवेल्थ, फिर लास्ट जो हमने एशिया कप खेला था, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया, तो मैं समझता हूँ कि वो जो हमारे मॉर्निंग में ट्रेनिंग सेशन होते हैं, सभी प्लेयर 8 बजे निकलते हैं, तो वो 7 बजे ग्राउंड में पहुंचते हैं, तो अपनी लग से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो
इंजॉय कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इतनी गर्मी में वो अपना पूरे इक्विपमेंट्स डाल के पैड वगैरह डाल के काफ़ी मुश्किल होता है, पर वो अपनी पहले अलग से ट्रेनिंग करते हैं फिर उसके बाद टीम के साथ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इनकी ये बड़ी बात है उनमें से, और वो बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं और टीम के लिए काफ़ी हेल्प है। आपने एशिया कप की बात की तो एशिया कप में भारतीय टीम बहुत अच्छा खेली थी, लेकिन फाइनल में कोरिया के साथ थोड़ी सी गलती हो गई थी और गोल्ड मेडल वहाँ मिस कर गए, तो ऐसी गलती यहाँ पर तो नहीं होगी? नहीं, देखिए टारगेट तो इस बार गोल्ड का रहेगा, बाकी ये है कि जैसे मैंने बोला गोल्ड को कैसे जीतना है वो कोचेज हमें स्ट्रेटजी बताएंगे, अगर वो उसको हम फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हम अच्छी हॉकी खेलेंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, एक श्रीजेश की बात की आपने और रघु की बात कर रहे थे हम, इन दोनों को अर्जुन अवार्ड के लिए नाम भेजा गया था लेकिन मिल नहीं पाया, तो इससे ये ज़रूर जो ये सारे प्लेयर्स हैं जो इस फ्रेम में थे वो ज़रूर थोड़े इमोशनल हुए होंगे, डिसहार्टन हुए होंगे, तो कैसा माहौल रहा है टीम का उसके बाद? नहीं, देखिए जिस टाइम अर्जुन अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई थी कौन से प्लेयर को मिलना है किसी को, जिस दिन हमने स्टेटमेंट देखी किस किस प्लेयर का नाम है किसका नहीं है, थोड़ा दुख जरूर हुआ क्योंकि हॉकी प्लेयर किसी का भी, क्योंकि कुछ प्लेयर थे जो डिज़र्व करते थे। बाकी मैं मेन यही कहूँगा कि जो सिलेक्शन कमेटी जो उनकी चॉइस है जो उन्होंने जिसके बेस पे जो प्लेयर्स को सिलेक्ट किया तो हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। इस बार पाकिस्तान से मैच है भारत का, सब बहुत जोश में हैं, फैंस बहुत जोश में हैं, मीडिया भी बहुत बातें कर रहा है इसके बारे में, तो इससे दबाव है कि भारतीय टीम बेहतर है उनको उनके हर चैलेंज को रोक सकती है? नहीं नहीं, देखिए जो हमारी स्ट्रेटजी है अगर हम उसको फॉलो करेंगे चाहे कोई भी टीम है, इवन हम बांग्लादेश से खेल रहे हैं चाहे हम जर्मनी से खेल रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी है जो हमने अपना हार्डवर्क किया जो हमारा प्लस पॉइंट है अगर हम उसके ऊपर खेलेंगे तो आई एम श्योर अगर नॉर्मल हॉकी खेलेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। एक मैं थोड़ा हॉकी से अगर अलग बात करूं, आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, सब आपकी जो लव लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं, तो इससे कोई दबाव आ रहा है या फिर मोटिवेशन ही मिलती है आपको क्योंकि पार्टनर भी आपकी हॉकी प्लेयर है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि हर एक ट्रेनिंग सेशन जाने से पहले, और क्योंकि जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ तो मोटिवेट वो करते हैं, उनको पता है कि कितनी बिजी लाइफ चल रही है और उसके बाद कितनी टफ ट्रेनिंग है, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। दर्शकों को बता दें कि वैसे सरदार थोड़े शाही रहते हैं जब कैमरे के सामने आते हैं, लेकिन फैंस जानना चाहेंगे जो हॉकी के हैं जो सरदार के हैं कि ये थोड़ी इंटरेस्टिंग आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई है थोड़ी फिल्मी सी, अगर बताना चाहें आप दर्शकों को? नहीं नहीं, नॉर्मल थी क्योंकि फेसबुक से स्टार्ट हुई थी जहाँ तक मुझे पता है। बिल्कुल हाँ जी, ओलंपिक जाने से पहले, तो उसके बाद बस जब हम उधर गए और उनको मैच के लिए इनवाइट किया तो फिर उसके बाद हम वापस आए, फिर मैं स्पेशल उनको मिलने गया, फिर उनकी फैमिली को मिला, तो बस स्लोली स्लोली फिर ये रिलेशन बिल्डअप हुआ, तो अभी ऊपर वाले की कृपा है कि आपको हॉकी टीम का मोस्ट एलिजिबल बैचलर भी कहा जाता है, तो कब आप शादी करने के प्लान्स हैं आपके? देखिए फ़िलहाल जो कॉन्सेंट्रेट है हॉकी के ऊपर है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि कंट्री के लिए जितना लंबा टाइम के लिए मैं हॉकी खेल सकूं, तो मैं ट्राई करूँगा अपने आप को फिट रखूं, फिर शादी का बाद में मे बी आफ्टर ओलंपिक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं एशियन गेम्स के लिए, उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम गोल्ड जीते और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें। सरदार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो सरदार सिंह को उम्मीद है कि भारतीय हॉकी टीम इस बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतेगी और रियो ओलंपिक का टिकट हासिल करेगी।